तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है यार, कैटरीना मैं अब सुनेंगे, राखी जी बोलेंगी। Hey guys, welcome to Bollywood Bubble. My name is Rohan. मेरे साथ में क्या बोलूँ, एक्टर, प्रोड्यूसर, फिल्म मेकर, स्टोरी टेलर, कहानी बाज, पैशनेट फिल्म मेकर सोहम शाह, मतलब इतने सारे एडजेक्टिव्स जनरली बहुत कम सेलेब्स के लिए बोलने पड़ते हैं, लेकिन इनके लिए बोलने चाहिए। इनके साथ मैंने बहुत कमाल का इंटरव्यू किया, विच यू शुड गो वॉच इफ यू हैवंट। ही हैज अ फिल्म कमिंग अप विच इज कॉल्ड तुम्बाद, राइट सर? ऐसे बिल्कुल। कौन सी तारीख को आ रही है वो आप बता दो, और फिर 12 अक्टूबर को प्लीज देखना ना भूलिए। तो सर हमने आपके साथ में इंटरव्यू तो कर लिया, हम आपके साथ में गेम करेंगे जिसका नाम है कहानी करो कंप्लीट। तो एक दिन ऐसा हुआ कि सोहम शाह साहब जो है वो गए एक होटल में, रूम में रुके, और जब वो रूम में वहां पे रात को सोने लगे तो उन्हें लगा कि भाई यहाँ पे कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी है। तब क्या हुआ बताइए, अब आपको कंप्लीट करने का। तब क्या हुआ, उन्होंने सबसे जाके लाइट पहले ऑन की और उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, अपने दोस्तों को फोन किया, तो एक डेढ़ घंटा ऐसा बिताया, फिर कुछ नेटफ्लिक्स देखा, फिर कुछ खाया, और सुबह का इंतजार करते रहे कि कब उजाला निकले और ये डर मेरे दिल से निकले। सर कमरा खोल के बाहर भी जा सकते थे पर कमरा खोल के बाहर जा सकते थे, बात आइडिया ठीक है, पर कहाँ जाते, ये बात भी सही। मतलब बाहर कोई होता तो ज्यादा प्रॉब्लम थी ना, कमरे में आप सेफ तो हो कि लॉक है कमरा, देखेंगे क्या होगा यार। ओके, अगली कहानी पे चलते हैं। बिल्कुल। तो एक बार सोहम शाह साहब फंस गए इन द लिफ्ट विद राखी सावंत एंड कटरीना कैफ। तब तो कुछ करने की जरूरत नहीं है यार, कटरीना मैं अब सुनेंगे, राखी जी बोलेंगी और आप डायरेक्ट करेंगे, ये एंगल। नहीं, मैं तो यार ऑब्जर्व करूंगा। एज एन एक्टर आपको बहुत जरूरत होती है ऑब्जर्व करने की चीजों को। Okay. कि आप ऑब्जर्व करेंगे कि यार कैसे कोई इतना एक्टिव है, और ये सब चीजें ऑब्जर्व करूंगा यार मैं। ओके, वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि एक प्रोड्यूसर आए, मेन स्ट्रीम फिल्म के प्रोड्यूसर, उन्होंने कहा सोहम शाह साहब मैं आपको एक कमर्शियल फिल्म ऑफर करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको सिक्स पैक एब्स बनाने पड़ेंगे और एकदम बॉडी बनानी पड़ेगी। तब मैं जिम गया फटाफट, मैंने ट्रेनर से बात की कितने दिनों में बन जाएगी बॉडी, उसने कहा 4 महीने। मैंने आगे प्रोड्यूसर को बताया कि यार 4 महीने लगेंगे, उन्होंने कहा डन। मैंने बॉडी बनाई और फिल्म सुपर डुपर हिट हो गई, मेरा करियर आगे बढ़ते पड़ा, कहानी खत्म। ओके, अगली वाली चलते हैं। आपने एक स्क्रिप्ट ली, आपको स्क्रिप्ट पसंद आई, डायरेक्टर भी आपको ठीक ठाक लगा, बट जब आप शूट करने गए तो आपको रियलाइज हुआ कि ये बहुत ही हॉरिबल डायरेक्टर है। तब एंड माइंड यू इसमें आप प्रोड्यूसर नहीं थे। तो यार अभी तो बहुत ये ट्रिकी वाली है यार, मतलब तो सर बात है, कहीं तो हम आपको प्रोड्यूसर बना देते तो कैसे चल जाता, तो मैं छोड़ देता। तो एज एन एक्टर आपने कमिटमेंट कर दिया है, तो ये आपका फॉल्ट पहले अगर आपने कमिटमेंट कर दिया तो मेरे हिसाब से फिर उन्होंने कहानी पूरी की, फिल्म पूरी की, जो होगा फिल्म का देखा जाएगा। ओके, आपने फिल्म की, आप फिल्म की स्क्रीनिंग देखने एक नॉर्मल थिएटर में गए और आपके पास में बैठे हुए लोग आप ही की एक्टिंग की बुराई कर रहे थे। इंटरवल में जब लाइट आई उन्होंने आपको देखा और आपने उनको देखा, और फिर तो बस फिर तो यही होगा यार कि ये भी ट्रिकी है यार कि मेरी एक्टिंग की बुराई कर रहे थे इंटरवल में, मैंने उनको देखा, उन्होंने मुझे देखा, तो फिर तो मैं फटाफट भाग जाऊंगा इससे पहले वो चप्पल निकाले और मुझे मारे, इससे पहले मैं भाग जाऊंगा। ओके, एंड बिफोर वी एंड, आप गए एक ब्लाइंड डेट पे और तब एक ऐसी लड़की निकली जो कि किसी जमाने में आपकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। तब एंड दिस इज द लास्ट वन ना, फिर मैं मेरा फोन उठाऊंगा, कहूंगा हाँ अच्छा इमरजेंसी हो गई, मैं अभी आ रहा हूँ, अभी निकल के आ रहा हूँ। ये कर चुके हो मैं कर नहीं चुका, मुझे लगता तुम कर चुके हो। नहीं, मैं तो खाली पूछ रहा था, बट लेट नो, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस, इट्स बीन अ प्लेजर। तुम बात एजर थिएटर नियर यू, 12 अक्टूबर जाना, देखना 12 अक्टूबर देखना 12 अक्टूबर सी यू।